नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभांशु पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, क्योंकि बड़ी खबर रायसेन से बस पलटने से बड़ा हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बस पलटने से 10 लोग घायल हुए हैं। और रायसेन से भोपाल जा रही थी बस पलट गई और जिसमें 10 लोग घायल है। दरगाह के पास कचनारिया पुल पर यह हादसा हुआ है और दूसरी गाड़ी को बचवाने के चक्कर में बस पलट गई। बड़ी जानकारी आपको बताते, घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, जहां पर रायसेन में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 10 लोग घायल हुए हैं। रायसेन से भोपाल जा रही थी बस और दरगाह के पास कचनारिया पुल पर यह हादसा हुआ। बस में करीब 20 यात्री सवार थे और दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, रायसेन से बस पलटने से 10 लोग घायल हुए और रायसेन से भोपाल जा रही थी बस पलटी है। तो बड़ी खबर। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय गोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल श्रावणी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये आज सुबह लगभग 8 बजे की ये घटना है, जहाँ रायसेन से भोपाल जा रही थी एक रायसेन भोपाल मिनी बस की यात्री बस, जिसमें करीब 20 यात्री सवार थे, लेकिन तकरीबन बस पलटने के बाद करीब 10 यात्रियों को चोटें आई। हालांकि कोई बड़ा हादसा होते होते बचा है, किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गंभीर चोट, 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट है, बाकी 8 लोगों को मामूली चोट है। लेकिन बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक तेज रफ्तार से टाटा मैजिक वाहन आ रहा था, जिसको बचाने के लिए बस ड्राइवर ने बहुत कोशिश की और अंततः नहीं बचा पाया और इस कारण बस टाटा मैजिक को बचाने के चक्कर में बस पलटी और उसके बाद यह हादसा हुआ है सामने। लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि यहाँ पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घटना, बस की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत भीषण यह हादसा हो सकता था। वहीं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जहां पर यह बस पलटी है उससे नीचे खाई थी, तकरीबन 20 फीट गहरी खाई थी। अगर बस थोड़ी सी बीच टेढ़ी हो जाती तो बस निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की समझदारी के कारण आज ये हादसा बचा है, जिसके कारण, लेकिन इसमें 10 यात्री अभी घायल है सामने। बिल्कुल अजय, जो घायल हैं उनका फिलहाल क्या कुछ हालात है, उनकी क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल, या वहां पर जो लोग मौजूद थे बस में सवार, जो लोग थे जिनको चोटें नहीं आई थी, उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। डायल 100 पहुंची मौके पर और यात्रियों को बाहर निकालकर उनको तत्काल डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ मामूली चोटें थी, खड़े थी, जिनको वो इलाज कराकर बाहर अपने घर जा चुके हैं, गंतव्य के लिए जहां जिनको जाना था वो जा चुके हैं। वहीं 2 यात्रियों को थोड़ी गंभीर चोट थी, जिनको रायसेन जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनका इलाज जारी है। लेकिन कुछ यात्रियों को जिनको चोटें नहीं आई और उनको भोपाल अगर जाना था किसी काम से, तो वो भोपाल के लिए रवाना भी हो गए हैं। शामिल बिल्कुल अजय, क्या घायलों में बच्चे भी शामिल हैं? नहीं, घायलों में बच्चे तो शामिल नहीं है श्रावणी, लेकिन ये है कि इसमें 2 बच्चियों को चोट है, जिनकी उम्र 15 से 20 साल के लगभग बताई जा रही है, और बाकी सभी जो थे वो यंग थे या बुजुर्ग थी। एक माता जी बुजुर्ग हैं, जिनकी करीब 70 से 80 साल के लगभग की उम्र बताई जा रही है, उनको भी हाथ में चोट आई है। बाकी बच्चे तो कोई भी नहीं थे जिनको चोटें आई हो श्रावणी। बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।